तो आज हमारा क्वेश्चन है इन फिगर फैन टेन पी माइनस कॉट आर अब टेन पी माइनस कॉट आर लेकिन हमें पहले तो दे रखा है ये ट्रेंगल बना के दे दे रखा है, मैं क्या दे रखा है क्या ट्वेल्व और ये थर्टीन है और बेस हमें पता नहीं है हमें कैसा लग रहा है ये बेस है क्योंकि कितना है नाइन्टी का साइन है 90 के सामने वाली साइड और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और लॉन्गेस्ट साइड का होता है हाइपरनेस ट्रेंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपरस बोलते हैं ठीक है और ये हमारा परपेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर सीधा है तो हमें पहले बेस पता करना है तो हमें मालूम होता है हाइपोटेनस का फॉर्मुल क्या एच स्क्वायर क्या होता है हमारा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एच तो हमें दे रखा कितना है थर्टीन का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमें दे रखा ट्वेल्व का स्क्वायर और बेस हमें दे नहीं रखा तो बेस का स्क्वायर ऐसे रहेगा थर्टीन कितना वन सिक्सटी नाइन हो जाता है ट्वेल्व वन फोर्टी फोर और प्लस पी बी का स्क्वायर अब ये 169 सिक्सटी यहाँ आएगा वन फोर हो जाएगा भाई इधर जाके माइनस में आ जाएगा और बी का स्क्वायर नाइन से फोर गया फाइव ठीक है यहाँ बच्चा नाइन से फोर गया यहाँ फाइव बच्चा और यहाँ कितना बचेगा यहाँ वन चला गया यहाँ नाइन से और सिक्स में से यहाँ टू बच रहा ट्वेंटी फाइव आ रहा तो ये बी का स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है यहाँ बी अब यहाँ देखो बी आ गया इसका मतलब ये रूट क्या है ये अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये फाइव का रूट है ट्वेंटी फाइव किसका होता फाइव का होता अब बी बेस हमारा आ गया मैं लिख सकता बेस मुझे मिल गया फाइव इट मीन ये कितना निकला गया फाइव अब हमने करना क्या था देखो हमने करना था सॉल्व टेन पी माइनस कॉट ये सी है सी ओ कॉट आर टेन बी टेन पी हमारा क्या होता मुझे पी से देखना ये P जब मुझे पी बोला तो ये ये एंगल है एंगल सामने वाला बेस हो जाता है ओह परपेंडिकुलर हो जाता है देखो को जहाँ से हम देखने को कह रहे हैं वहाँ के सामने वाले साइड क्या परपेंडिकुलर हो जाते और ये बेस हो जा, जाता है हाइपोटेनस वही रहता है तो टेन पी मतलब परपेंडिकुलर ही हो होता है और बेस ही हो जाएगा अब टेन का मतलब क्या टेन हमारा पी अपॉन बी होता है मैंने कॉट क्या होता है हमारा कॉट आर थे आर से देखना है तो कॉट कोड, पहले कॉट क्या होता हमारा बी अपोन पी होता पहले पी से देखो जब टेन पी से देखना है मुझे टेन पी ये होता टेन पी ये है तो पी अपन पी ये हो जाएगा क्या जाएगा? 5 upon base 12 हो जाएगा फाइव अपन बेस गया ट्वेल्व होगा और यहां जब आर से देखना तो क्या सामने वाले साइड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ठीक है और बेस ये हो जाएगा तो यहाँ भी फाइव अपन ट्वेल्व क्योंकि बी अपन एच पी होता क्या होता B बी अपॉन पी मतलब बी है और बी है इसमें तो फाइव माइनस फाइव गए जीरो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा ओके देखो फाइव माइनस फाइव गया जीरो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो